औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो जी आज एक टॉपिक पे, छोटा सा टॉपिक है, उस पे जल्दी से बात कर लेते हैं कि झूठ बोलना जो है, सबसे पहले बात सबको पता है ये गुनाह है और सख्त तरीन गुनाह है। और झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठा जिस तरह झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत पड़ जाती है। और लानत ये होता है कि अल्लाह की रहमत दूर हो जाना, तो देखिए ये बड़ी मायूसी की बात है एक मुसलमान के लिए कि उससे अल्लाह की रहमत जो है दूर हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बता देता हूँ, मतलब कि एक वाक्य बता देता हूँ, तो मफहूम है जल्दी से बता देता हूँ कि नबी पाक से पूछा गया कि मुसलमान डरपोक हो सकता है, फरमाया हो सकता है, क्या कंजूस हो सकता है, फरमाया हो सकता है, कहते हैं झूठ बोल सकते हैं, तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। दोबारा सुन लीजिए, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। तो अब खुद मेरी बात देखिए कि आज हम जो हैं, हम भी मुसलमान ही हैं, लेकिन दिन में 250-300 झूठ बोल जाते हैं, मतलब कि सारों का नहीं बोल रहा, कुछ तो इस तरह करते हैं, इवन कि हम भी खुद भी करते होंगे, ठीक है, मतलब कि दूसरों को क्या बोलना, ठीक है, हम खुद भी झूठ बोल जाते हैं बीच बीच में। तो इस तरह जो है ना, इससे झूठ से हमें लाजमी बचना चाहिए। और ये जो है, इससे बचने का तरीका क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो भी झूठ बोल रहे हैं तो उस पर अपनी कोई सज़ा रख लें कि मैं इतना सदके पैसे करूंगा तो नहीं करूंगा, और झूठ बोलने के, या फिर इस तरह करें, जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे आप दलेर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको इतना बहादुरी का है ना कि मैं बहादुर इंसान बनूँ, तो ये आप झूठ को लाजमी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ने देखा होगा कि आपको बहुत बुरी बुरी किसी से, टीचर वगैरह से मार पड़ी होगी, ठीक है, लेकिन वो वक्त गुजर ही जाता है, ठीक है। जब आप झूठ बोलना छोड़ेंगे ना तो लोग आप पे एतबार करने लगेंगे, ठीक है, तो फिर जब एतबार करने लगेंगे तो वो फिर आपको, काफ़ी सारे लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि इसने सच बोला है। तो इस तरह काफ़ी सारे ज़िंदगी में जो है मामला जो है वो चलते रहते हैं, तो लेकिन झूठ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। तो जो मतलब कि बंदे, किसी बंदे की सुलह करें, वो भी इस तरह के लिए झूठ बोल, थोड़ी घुमा फिरा के बात कर दें, तो ये है कि ठीक है। लेकिन वैसे जो है ना, हमें आम रूटीन में झूठ नहीं बोल सकते, वो कुछ चंद एक सूरतें हैं जो एक दो मेरे ख़ास है, तो उनमें बोल सकते हैं, वैसे आप झूठ नहीं बोल सकते। तो इससे लाजमी बचना चाहिए, ठीक है, बड़ा गुनाह है झूठ बोलना, और इंसान इसे छुटा समझता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी झूठ, ठीक है, ज़रा बिल्कुल ज़रा बराबर भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेन बात थी, अच्छी बात है, इसे आगे पहुँचाएं, शेयर करें, लाजमी किसी को तो शेयर करें, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है ना, मैं आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।